नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से। मेरे पीछे बैठकर जो शख्स नाश्ता कर रहे हैं, जरा उन्हें गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है मनहर लाल मनमौजी। इस शख्स की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और ये अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। यहाँ हमारी कोशिश है कि हम इस शख्स को लाइव दिखाकर आप लोगों को ये बता सकें कि यदि आप या आप में से कोई भी व्यक्ति इनके परिवार को जानता तो तुरंत उनके बेटे को सूचित करें ताकि वो यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली में आकर अपने पिताजी को यहाँ से लेके जा सके। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। जीता भाई, मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, अभी हम चलते हैं, ठीक है? शाबाश रीटा, आज तुमने बहुत ही उम्दा काम किया है। लोगों की मदद करना ही संचार माध्यम का सही उपयोग है बापूजी। लेकिन बापूजी, जो आप इनके लिए कर रहे हैं उसके सामने जो मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। आई जस्ट होप कि इनका बेटा आप लोगों से जल्द कॉन्टेक्ट करे और इन्हें वापस अपने साथ ले जाए। अभी रीटा, तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो क्योंकि इनका चाय नाश्ता खत्म हो गया ना, तो फिर से गाने की शूटिंग चालू कर देंगे और ये तेरा डांसर फिर रुकेगा। हाँ, हम लोग चलते हैं। थैंक यू भाई, बढ़िया। भजिया और तीखी तीखी चटनी के बाद चाय का सिप लेने में क्या मजा है, क्या खुशबू है चाय की और भजिया की भी। थैंक यू। वाह, क्या मस्त चटनी है। चटनी अच्छी लगी और लाओ। नहीं नहीं बस। कितने प्यार से शांति से बैठ के खा रहे हैं। इनको देख के कोई कह सकता है कि आज पूरा दिन इन्होंने कितना उद्यम मचाया। ये सब प्यार का कमाल है जी। क्या प्यार में बहुत ताकत होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्यार से ठीक हो सकती है। बापू जी, वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। नहीं, ये आंसू चटनी की वजह से नहीं, चांदनी की वजह से। चांदनी? मेरी बेटी, वो भी ऐसे भजिया बनाकर मुझे खिलाती थी। शादी करके विदेश चली गई। सालों बाद किसी ने प्यार से मुझे ऐसे खिलाया। क्या अभी आप मुझे बताइए, ये आपका घर है ना? हाँ। तो मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो फिर चलिए आंसू पोछ लीजिए। वाह, अभी आप शांति से ये भजिया की मजा मारिए, भजिया खाइए। खाइए ना, खाइए ना। हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? जी मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि मनहर लाल जी आपके घर पे हैं। आप जानते हो उनको? हाँ। अरे भाई साहब, तो उनके किसी रिश्तेदार या परिवार वालों का कुछ नंबर आता पता कुछ दे सकते हैं आप? जेठालाल जी, मैं मनहर लाल जी का बेटा ही बोल रहा हूँ। क्या? समीर मनमौजी। बापू जी, इनके बेटे का फोन है। समीर भाई, देखिए आपके पिता की हमारे घर पे बिल्कुल सही सलामत है, आप जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पे आ जाइए। हाँ, मैं अब भी पहुंचता हूँ। आइए आइए। थैंक यू आइए जी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मनहर लाल जी, अभी आपके बेटे समीर का फोन आया था। समीर? अरे वाह समीर। हाँ, कहाँ है वो? मैं घर पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ भटक रहा है। नहीं नहीं, वो भटक नहीं रहे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। यही आसपास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। अरे वाह, मिलने आ रहे हैं। माता जी, आपका खूब खूब आभार। वाह, एक बार समीर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बापू जी, बेटे का नाम सुनते कितने खुश हो गए। नहीं, जेठालाल जी आप ही है ना? जी। समीर।
पापा 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 कहाँ चले गए थे पापा? मैं तो यही घर पे ही था। तू बता, तू कहाँ भटक रहा था? मैं आपको दूसरी जगह पे ढूंढ रहा था। अरे ढूंढ रहा था मतलब क्या? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो खो जाएगा? और वैसे भी आदमी घूम फिर के अपने घर पे ही तो आता है। आ बैठ, आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं पापा, बैठने का वक्त नहीं है, मैं आपको लेने आया हूँ, चले चलते हैं। कहाँ? घर। लेकिन हम अपने घर पे ही तो हैं। हाँ हाँ, ये भी हमारा ही घर है, पर मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे कोई दूसरे घर नहीं जाना है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। पापा वहाँ पर आपको और मजा आएगा। हाँ, और अगर वहाँ पे मजा ना आए तो वापस यहाँ आ जाना। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं पापा। कौन सब? हमारे घर वाले। एक मिनट, मैं आपकी सबसे बात करवाता हूँ, सब लोग आपकी आवाज सुन के ना एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ निशा, पापा मिल गए हैं। हाँ हाँ, एकदम मजे में। ये लो बात करो और सबसे बात करो। ये लीजिए पापा, बात कीजिए। हेलो। हाँ कौन? अरे निशा बेटा, कैसी हो? सबसे पहले तो मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसे बात कर रहे हैं समीर भाई आप? अरे अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे पापा के लिए, आजकल कोई सगा भी नहीं करता है। समीर भाई अभी शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। पर समीर भाई जरा बताएंगे कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनकी ये हालत सदमे की वजह से हुई है। मेरे पापा मनहरलाल M&M ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। एक बार उन्हें फॉरेन टूर के लिए जाना था और इसीलिए अपने बिजनेस की बागडोर और पावर ऑफ अटर्नी अपने छोटे भाई यानी कि मनसुख चाचा को देकर गए थे। लेकिन जब मेरे पापा फॉरेन टूर से वापस आए, तब उन्हें पता चला कि मनसुख चाचा ने उनकी सारी कंपनियां अपने नाम पे करवा ली और मेरे पापा को अपनी ही कंपनी से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, इसीलिए ये जो भी चीज देखते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है। जी हाँ, मनसुख चाचा मेरे पापा के सगे छोटे भाई और मेरे पापा मनसुख चाचा से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए चाचा ने जब पापा को धोखा दिया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। लगता है इनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। भाई ने दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं है। पैसों के लिए भाई ने भाई को ही लगा दे दे। मेरे सामने आ जाए ना तो उसे छड़ी मार मार के सीधा कर दूंगा। वो छड़ी तो पड़ चुकी है चाचा जी, भगवान की छड़ी जिसमें आवाज नहीं होती है। हमने चाचा जी के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था और चाचा जी केस हार गए। अरे वाह, माता जी देखा, सब देखते हो माता जी। भाई के साथ ऐसा किया ना तो माता जी ने बदला दे लिया। आज उसी केस की सुनवाई के लिए मैं कोर्ट गया था, तभी पापा घर से निकल गए और हम सब तब से उनको ढूंढ रहे। रे बेटा, सबसे बात हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू उन सबको यही बुला ले, यही हम मजा करेंगे सब। मोटा भाई, मनसुख, मोटा भाई, मनसुख, तू? हाँ मोटा भाई। अच्छा, मतलब तू ही है वो जिसने अपने सगे भाई को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे? मोटा भाई, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मोटा भाई, मैं आपका गुनहगार हूं। जब मैंने आपको न्यूज चैनल में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा यहां पर आ गया। जो गुनाह मैंने किया है
वो कबूल करने के लिए। मनसुख तू चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मोटा भाई, ए मोटा भाई, मोटा भाई, मैं मानता हूं कि पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोटा भाई। आपने मुझे कितना प्यार दिया, जितना विश्वास आप अपने पर भी नहीं करते थे उतना विश्वास आपने मुझ पर रखा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपका दिल दुबाया, मैंने दुख पहुंचाया आपको, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, माफ कर दीजिए। नहीं मनसुख, नहीं, तू चला जा। नहीं मोटा भाई, नहीं मोटा भाई, मैं मानता हूं कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ नहीं किया ना मोटा भाई, तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सर से उतरेगा नहीं। मैं आपका कसूरवार हूं, आपका गुनहगार हूं, आप मुझे सजा दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ए मोटा भाई, माफ कर दीजिए मोटा भाई, मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। कैसी बातें कर रहा है कोई अपने बड़े भाई के सामने ऐसे गिड़ गिड़ाता है? आओ गले मिलो मोटा भाई। चलो अंग भला तो सब भला है, छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और बड़े भाई ने भी उसे माफ कर दी। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है कि क्षमा ही सच्चा आभूषण होता है। मोटा भाई चलिए अपने घर चलते हैं। चल। अरे रुको 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 रुको, अब क्या हुआ? मैं एक काम भूल ही गया, जाने से पहले मैं अपनी बेटी से मिल तो लूं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा ये कंगन तुम्हारे लिए, ये बड़ा लकी कंगन है, इसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। अब तुम ये रखो, ये तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। ये लो। थैंक यू। चलो चलो, सब मेरी राह देख रहे हैं। हाँ चलो भाई। थैंक यू मोनर भाई। आओ जो मोनर लाल जी। आओ जो। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया है। हाँ बाबूजी। मोनर को उसका मनोहर को उसका परिवार मिल गया और भाई भाई में भी सुलह हो गई। सुलह हो गई। हाँ, और हमें हमारा लकी कंगन भी मिल गया। अरे हाँ, कंगन कमाल वापस मिल गया। अरे सिर्फ कंगन नहीं चबू के पापा, लकी कंगन बोल दिया भैया। अभी ये कंगन लकी है कि नहीं वो एक चर्चा का विषय है। अरे उसमें चर्चा क्या? देखे टपू के पापा, मनोहर काका की अपने छोटे भाई से सुलह हो गई। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। दूसरी बात, मनोहर काका अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन उनको अपना परिवार वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। ये कंगन की वजह से, वैसे तो तूने मुझे क्या बोल के लकी कंगन दिया था कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा? मिला मुझे बड़ा ऑर्डर? टप्पू के पापा आप एक बात भूल रहे हैं, ये लकी कंगन तब मनोहर काका के पास था, आपके पास नहीं था।
अभी देखिए टप्पू के पापा, ये कंगन आप अपने पास रखिए, देखना आपको जल्द से जल्द बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। अरे सिंघानिया सर, हेलो। सॉरी जेठालाल। सॉरी किस लिए? आज मैं तुम्हारी दुकान पे आया था और उस आदमी की बदतमीजी की वजह से वहाँ से गुस्सा होके चला गया था। तो उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जेठालाल मैंने टीवी में देखा, उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर भी तुमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और ऊपर से तुम उसे अपने घर लेके गए। हैट्स ऑफ टू यू जेठालाल, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं नहीं, वो क्या है सिंघानिया साहब, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह बहुत बड़ी बात है जेठालाल, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी कंपनी का हर ऑर्डर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा। थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू। और जेठालाल कल मेरा आदमी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके आ जाएगा। ओके 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 सिंघानिया साहब, थैंक यू। पप्पू जी क्या हुआ? तो सिंघानिया साहब का ऑर्डर हमें मिल गया। ये तेरा कंगन लकी नहीं, डबल लकी है। टप्पू के पापा आपने क्या खुशखबर सुनाई है, मैं अभी लापसी बनाती हूँ और अब सबका मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ बना 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 जल्दी बना। अच्छा जेठिया मैं अपने कमरे में हूँ, हाँ हाँ बाबू जाता हूँ बस। हाँ हाँ नटू काका बोलिए। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, बधाई हो बधाई। थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? मुझे तो पता चलेगा ही ना, मैंने तो सब कुछ किया है। एक मिनट, आपने क्या किया? क्यों, पानी तो मैंने ही छिड़का है ना, आपने थोड़े छिड़का है। पानी छिड़का है? कहाँ पानी छिड़का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बागा के फेस पे। ओह बागा होश में आ गया? हाँ इसीलिए तो मैंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा। ओ अच्छा अच्छा, आप बागा की बात कर रहे थे। हाँ तो ओ ठीक है, बागा आस पास है? हाँ हाँ है ना। दीजिए फोन दीजिए। एक मिनट सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। बागा सेठ जी से बात कर। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा कैसा है? गीला गीला हूँ। अरे भाई तो पानी पोंच ले, सूखा सूखा हो जाएगा। अच्छा बाकी सब ठीक है ना? बेहोशी में और कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई ना सेठ जी, बहुत बड़ी तकलीफ हुई। क्या? बावरी जी के 25 मिस कॉल आ गए। फोन उठाया क्यों नहीं? सेठ जी मैं फोन कैसे उठाता, मैं तो बेहोश था ना। या भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नटू काका की बात कर रहा हूँ। नटू काका ने फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी नटू काका बेचारे फोन कैसे उठाते? क्यों, तुझे कंपनी देने के लिए वो भी बेहोश हो गए थे? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा फोन साइलेंट पे था। ओहो ठीक है चल ओके। एक मिनट सेठ जी। हाँ आप तो बताइए, आप किस बात के लिए थैंक यू कह रहे थे? अरे हाँ नटू काका, हमें सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, सिंघानिया साहब का ऑर्डर मिल गया? हाँ। ऑर्डर कैसे मिला सेठ जी? सिंघानिया साहब तो सवेरे दुकान से गुस्सा होकर चले गए थे। हाँ हाँ नहीं बराबर, लेकिन अब भी उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर मिलने की खुशी में आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी। Come on everybody, come on, come on everybody, let's dance, let's dance। ठीक है आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में खाना मत खाना, आज मेरी तरफ से महालक्ष्मी माँ भोग के 5-star थाली खाना, ठीक है? अरे वाह थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलिए सेठ जी अभी हम फोन रख रहे हैं। ओके ओके नटू काका ओके। रहीम का एक दोहा तो आपने भी सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका है, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जीवन में प्रेम के रिश्ते बड़े कमाल के होते हैं। यही हुआ मनहरलाल के साथ। मनहरलाल के भाई ने जो भाइयों के बीच के प्रेम के रिश्ते का धागा है उसे तोड़ने की कोशिश की, बदले में केस भी हार गए बंसुखलाल और बदनामी हुई, लेकिन बड़े भाई इस आघात को सहन नहीं कर पाए, सदमा पहुंचा, मानसिक आघात लगा। जीवन में प्रेम के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें जतन करके रखना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, क्योंकि जिंदगी में प्रेम के रिश्ते अगर टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं है। और इस किस्से से हमने एक बात और सीखी,
अगर कोई मानसिक रूप से असंतुलित है तो उसे समझिए, उसे सहानुभूति दीजिए, उसे अपना प्रेम दर्शाइए। खैर मदनलाल तो अपने घर चले गए, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये गोकुल धाम यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। अब नई गड़बड़ क्या होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.